विचारिता लोकतंत्र को बनाए रखती है, यह प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन के लिए ताकत है। नोएडा के मारवा स्टूडियो में चल रहे 3 दिवसीय 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम के पहले दिन के दूसरे सत्र में AI इन जर्नलिज्म एंड फ्यूचर ऑफ न्यूज विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AAAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, जुआन अंगुलो, एम्बेसडर एम्बेसी ऑफ चिली, अमृत आनंद, सीनियर जर्नलिस्ट न्यूज 18 इंडिया, हुसैन रिजवी, सीनियर एंकर इंडिया TV, अमिताभ श्रीवास्तव, सीनियर जर्नलिस्ट, आशीष झा, एडिटर मोबिलिटी WION, संजीव यादव, सीनियर जर्नलिस्ट नवोदय टाइम्स, जगविंदर पटियाल, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ABP न्यूज, पुनीत त्रिपाठी, फाउंडर WEYO मीडिया, महकर सिंह, ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगणों को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। Called El Niño del Plomo, was trying to share with our Indian audience with the knowledge of these people in the Inca, in the mountains, and the significance of these ceremonies they had. Здравствуйте, меня зовут Питер Сизоре, мы Russian Embassy мы кам кардахан. Джоадми и сичиския, то invitation к ли бахот баходания бар. Мы пехли мар и сичис диктаре. Ки зия де журналисты, सबकुछ खूबसूरत जवान उनका अनुभव में जिंदगी है और जो म्यूजिक है तो वह बहुत बहुत जबरदस्त है और मैं सोचता हूँ कि गुज़श्ते में आप लोग इसी हिस्ट्री मनाएंगे कहेंगे। So it was my pleasure to present to be here and I'm so confused. I have never seen so many microphones. I guess I would like to have an announcement. 15th of February at the Russian Culture Center, it was a concert organized by the Russian Embassy and Belarusian Embassy. And now probably it will be some surprise. You can guess probably which one. Our colleagues from another CIS countries. So please come. It starts at 7, but be quick because the parking is awful. But you're going to be surprised. There are two musical collectives from Russia and Belarus, and they're enormously cool. बड़ी खुशी है कि चिली के एम्बेसडर साहब यहाँ पर अभी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग की, ओपनिंग की। 10 मिनट की ये फिल्म, जो एक पहाड़ और एक लड़की जो कि पहाड़ में के इन बर्फों में दब जाती है, उसके ऊपर एक फीचर था। बहुत कुछ ये फिल्म कह गई है इन 10 मिनटों में। खुशी की बात तो ये है कि चिली ने इस बार फिर से हमारे जर्नलिज्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है और इसी तरीके से जो साउथ अमेरिका है उसका भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो रहा है। मुझे यहाँ कैसा लगा कि मैं पिछला अपना जो स्टूडेंट लाइफ था फिर से एक बार उसकी याद आ गई। वो मेरे पुराने दोस्त, अब सबको मैं जाके फोन करूंगा। बट बहुत अच्छा फेस्टिवल रहा, स्टूडेंट्स काफी अवेयर है यहाँ पर मारवा में, और उम्मीद ये है कि जो फ्यूचर जर्नलिस्ट की हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर जर्नलिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो ये परफेक्ट प्लेस है। और यहाँ से कई सारे चेहरे आज से कुछ सालों बाद हिंदुस्तान को मिलेंगे, जो पूरे दिल और दिमाग से जर्नलिज्म करेंगे और इंडस्ट्री को नए फेसेस मिलेंगे। मुझे ये लगता है कि लोग गायब ही हो गए हैं टेलीविजन जर्नलिज्म से, वो व्यक्ति विशेष की तरफ ज्यादा आकर्षित हो गया है, वो पॉलिटिकल ज़्यादा हो गया है। लोगों के मुद्दों, लोगों की बात, महिलाओं की बात, बच्चों की बात, स्कूलों की बात, समाज की बात हो ही नहीं रही है। इसलिए मुझे लगा कि ये प्राइम टाइम नहीं है, ये आपका टाइम है। आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? जी बिल्कुल अच्छा लगा। आज आप सर फेस्ट में आए हैं, यहाँ सुनने वाले भी जर्नलिस्ट हैं, जवाब देने वाले भी जर्नलिस्ट हैं और क्वेश्चन पूछने वाले भी जर्नलिस्ट हैं, तो एक जर्नलिज्म का बच्चा यहाँ से क्या सीख के जा सकता है? बहुत कुछ सीख सकता है। समाज के लिए क्या करना है, पत्रकारिता करनी कैसे है, ये सब कुछ वो सीख के जा सकता है ना। असली रूट्स तो यही है, जहाँ हम बैठे हुए हैं आज वो तो एक डिलीवरी का माध्यम है, सिखलाई तो यही है सारी। आप लोग वो कर सकते हो जो उम्मीद करता है ये समाज हमसे।